देखो, किसी उत्पादक उत्पाद की एक्स इकाइयां का विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में जो है आर एक्स बराबर दिया है, यहाँ कितना दिया है 3x² + में 36x + 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 5 हो तो सीमांत आय प्राप्त ज्ञात कीजिए, जहाँ सीमांत आय वही यहाँ पे एम आर मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में कह रहा है। हमारा क्या अभिप्राय है कि किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष आय में परिवर्तन की दर, वस्तुओं की संख्या यानी एक्स के सापेक्ष इसमें आय में परिवर्तन की दर, ठीक है, यह आय है और यह एक्स जो है आपके वस्तुओं की संख्या है, यानी कि उसके रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वही आपका एम आर होगा। चलिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में ना करेंगे तो आर डैश एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 6x + 36, यही ना हो जाएगा। चलिए, तो हमें एम आर निकालना है जो कि आर डैश 5 के बराबर होगा, तो 6 × 5 और प्लस में 36, 6 × 5 = 30, 30 और 36 आपका हो जाएगा 66 रुपये, लग 66 रुपये आपका आंसर। चलिए, क्वेश्चन